दोस्तों, अगर आप टेली सॉफ्टवेयर के यूजर हो तो आपको टेली के TDL फाइल के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आज ये सारी बातें इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं कि एक्चुअल में TDL फाइल होती क्या है, कहाँ से इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, किस प्रकार में टेली में इसको इंस्टॉल करेंगे, कितना बड़ा बेनिफिट TDL फाइल का मिलता है और ये प्रॉपरली वर्क किस प्रकार करती है। तो ये सारी बातें आज इसी वीडियो में प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप टेली सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हो या अभी आप टेली सॉफ्टवेयर में सीख रहे हो, अगर अपना नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। अगर आपने दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भी TDL फाइल एक्चुअल में होती क्या है और TDL का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, टेली के जो TDL फाइल होती है उसका पूरा नाम है टेली डेफिनेशन लैंग्वेज। तो दोस्तों, जो फीचर हमारे टेली सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं, अगर उसके अलावा हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग हमें करनी हो, कोई अलग से फीचर हमें चाहिए होती है, तो हम TDL फाइल्स का यानी कि एड ऑन्स का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, किस तरीके से यूज़ करते हैं, कहाँ से हम इसको डाउनलोड करते हैं, ये सारी बातें हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने इस कंपनी में दो TDL की फाइल को ऑन किया हुआ है, तो दोनों एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा भी TDL का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली फाइल, अब मैं टेली के होम पेज पे यानी कि गेटवे टेली पर हूँ और उसके बाद में टेली मोर रिपोर्ट्स पर जाऊँगा। तो उसके बाद में आप देख रहे हो टेली मोर रिपोर्ट्स के बिल्कुल एंड में आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है रिसाइकल बिन का। तो दोस्तों, ये जब हम टेली सॉफ्टवेयर को सेटअप इसका डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं तो ये उस वक्त ये फीचर हमारे साथ में नहीं आता। इसको हमने एक अलग से टेली के TDL फाइल को इंस्टॉल किया है, एड ऑन्स किया है और उसके बाद में ये फीचर्स को साथ में जोड़ा गया है। और एक फीचर्स आपको हम और दिखाता हूँ, वाउचर में हम जाते हैं और जैसे हम सेल वाउचर पे जाते हैं तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को आ रहा है डॉक्टर्स का, और उसके अलावा यहाँ पर कुछ चेंजिंग आपको नज़र आ रही है जैसे कि MRP है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, और इसके अलावा ये फीचर्स भी आपको देखने को अलग से मिल रहे हैं यहाँ पे इनवॉइस CFZ का। और जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह की विंडो हमारे सामने ओपन होती है जिसमें सीरियल नंबर, आइटम नेम, कंपनी बेस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, पैकिंग, यानी कि एक ये फार्मा पर्पज से डाउनलोड किया हुआ TDL फाइल है। तो ये कहाँ से होता है इसको हम समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सिस्टम पे इंटरनेट ऑन होना चाहिए। अब कुछ ऐसी TDL फाइल भी होती है दोस्तों जो आपको पेड यानी कि पैसे दे के परचेज करनी होती है और कुछ आपको डेमो के लिए वैसे डाउनलोड करनी मिल जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है किसी भी TDL फाइल की तो आपको सबसे पहले टेली के इस फीचर पे जाना पड़ेगा, टेली प्राइम के F1 यानी कि हेल्प के फीचर पे। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा टेली शॉप का। तो हम टेली शॉप पर क्लिक करेंगे तो जैसे हम टेली शॉप पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये टेली की कुछ जो TDL से संबंधित फाइलें हैं टेली सॉल्यूशन की, यहाँ पर हम ओपन हो जाएंगे टेली शॉप की। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपसे यहाँ पर कैटेगरी पूछेगा भी आप किस कैटेगरी की फाइलों को सर्च करना चाहते हो। तो कुछ बेसिक हैं यहाँ पर, कुछ उन टॉप जो कैटेगरीज है जो आपको एड ऑन्स अवेलेबल कराती है उनके यहाँ पर डिटेल्स होती है सारी। तो आपको किस टाइप की एड ऑन्स चाहिए, किस टाइप की TDL चाहिए आपको, वो सबसे पहले यहाँ पर इसके डैशबोर्ड पर देखने को मिल जाती है। इम्पोर्ट मास्टर फ्रॉम एक्सेल की डाटा चाहिए आपको, पार्टी प्रीवियस बैलेंस रिलीज प्राइम के लिए चाहिए आपको, कोई इनवॉइस को कस्टमाइज करवाना है, डिटेल बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ देखना है डिटेल के साथ में, तो कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर ओपन होती है स्टार्टिंग में डैशबोर्ड पर। अगर आपको कुछ चीज़ स्पेशल सर्च करनी है तो यहाँ पर आपको सर्च भी कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा हुआ है अभी टैक्स वाइज रेट वाइज सेल को, और इसको हम फाइंड पे सर्च करते हैं। तो जैसे हम इसको फाइंड पे क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी TDL फाइल बनी होती है वो आपके सामने इस तरीके से डैशबोर्ड पर आती रहेगी। तो इसमें आपको कुछ और ऑप्शन भी यहाँ पर मिलेंगे, आपको चार यहाँ पर मिलती है विंडो, आप नेक्स्ट पर क्लिक करके अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं लगता तो आप यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ और ऑप्शन भी हमारे सामने आएंगे इस तरीके से। आप अब मान लीजिए आपको इस तरीके की विंडो चाहिए सेल्स मैन वाइज कमीशन। अब आपको इस बात को देखना है भी ये जो सेल्स मैन वाइज कमीशन है ये TDL फाइल वर्क कैसे करेगी, इसको अगर हम डाउनलोड कर भी लेते हैं तो इसका हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। तो दोस्तों, वैसे आपका इसका एक्चुअल जो प्राइस है वो 283 यानी कि 283 रुपये का है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं
तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, भी ट्राई इन एजुकेशनल मोड, ट्राई इन लाइसेंस मोड, एड टू कार्ट या फिर बाय। अगर आपने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर परचेज नहीं कर रखा है, आपने केवल डेमो यूज़ कर रहे हो, तो आप यहाँ से डेमो के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कई ऐसे टीडीएल फाइल होती है जो आप केवल लाइसेंस वर्जन के साथ ही इसको यूज़ कर सकते हो, आप उसको डेमो में यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि आपको मैं एक और दिखा देता हूँ, इसको यहाँ से हम इसको हटाएंगे और उसके बाद में जैसे हम कर देते हैं बिट टेली ऑडिट ट्रायल, इस पर हम इंटर प्रेस करेंगे और कुछ इस तरीके की हमारे सामने विंडो ओपन होती है, और इसमें टेली को हटा देते हैं, ऑडिट ट्रेल रखते हैं और फाइंड करते हैं। तो इसमें कुछ इस तरीके की विंडो होती है, तो इसमें जैसे कुछ ये एजुकेशनल मोड के साथ में आ रहा है, वापस हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी और भी हमारी जो लॉक्ड ऑडिट वाउचर, तो इसमें आप देख रहे हो जो एजुकेशनल मोड का ऑप्शन जो आ रहा था वो इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको आप केवल परचेज करके ही इस फाइल को यूज कर सकते हो। तो हमने हमारी जो वापस जो कैटेगरी थी ये सेल्स मैन वाइज सेल रिपोर्ट, तो यहाँ पर आप स्पेशल सर्च करके और फाइंड कर सकते हैं इसको, तो कुछ इस तरीके की विंडो आ जाएगी। और हम इस ये जैसे मान लो हमें को ये वाली टीडीएल फाइल चाहिए, सेल्स मैन वाइज डेली आउटस्टैंडिंग प्राइम वन के अंदर ये चलेगी, ओपन करेंगे। अगर आपको देखना है भी वर्क किस तरीके से करेगी, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड मैनुअल का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ये एमएस वर्ड की भी हो सकती है या पीडीएफ की भी हो सकती है। इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे, तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो आपको ये सारी इस मैनुअल यूजर मैनुअल में सारा डाटा आपको दिखा देगा कि ये जो फाइल है ये प्रॉपरली किस तरीके से वर्क करेगी, यहाँ पर इसको किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है वो बताया गया है, वो भी आपको मैं इसी में बताऊंगा। और उसके बाद में यहाँ पर और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अब यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल पता चलेगी भी ये प्रॉपरली आपको वर्क किस तरीके से कराना है, इसलिए आपको सेल्समैन का एक ग्रुप को अल्टर करना है, उसके बाद में एक लेजर सेल्समैन वन के नाम से क्रिएट करना है, उसके बाद में जब भी आप लेजर क्रिएट करोगे तो लेजर क्रिएट करते वक्त आपको सेल्स नेम यानी कि यहाँ पर पूछेगा भी आपका जो नाम है वो सेल्समैन कौन सा एरिया एबीसी कंपनी को जो सामान सेल करता है वो कौन सा सेल्समैन करता है, ताकि आप अपने कंपनी के अंदर सेल्समैन वाइज की जो रिपोर्टें हैं वो चेक कर सकते हो कि कौन से सेल्समैन ने सबसे ज़्यादा वर्क किया है। और जब हम इस पे सेल पे जाएंगे तो आप कोई भी अगर आप सेल करोगे तो आपका सेल्समैन का रिपोर्ट यहाँ से सबसे पहले पूछेगा, यानी कि अगर ये टीडीएल फाइल अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपका सेल्समैन का नाम यहाँ पर एड हो जाएगा। तो हम इसको यूज करते हैं, इसको हम डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे ट्राई इन एजुकेशनल मोड पे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये मैं डाउनलोड के लिए बोलेगा और इस पर डाउनलोड पे क्लिक लगा दिया, तो अभी कुछ समय में टेली की जो फाइल है जो इंस्टॉल हो जाएगी। अब इसको एक बार ये लॉगिन के लिए पूछेगा, हम इसको लॉगिन करना पड़ेगा, फाइल को हम बड़े करते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सेल्समैन वाइज का जो टीसीपी फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, इसको हम ओपन करेंगे। तो ये ओपन करेंगे तो ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट है जो इस डाउनलोड वाले फॉर्मेट में है, जो डाउनलोड हो जाएगी डाउनलोड के फोल्डर में। तो अब हमको यहाँ से इसका जो पाथ है इसको कॉपी करना होगा, तो कॉपी करने के लिए इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पर जाएंगे और इसकी डिटेल्स पर जाएंगे। अब डिटेल्स पे जाने की बजाय हम इसके सिक्योरिटी पे जाएंगे, और सिक्योरिटी पर जाने के बाद हम इसके जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम है इसका जो पाथ आ रहा है इसको कॉपी करेंगे। तो बिल्कुल एंड पर हम चलते हैं, एंड बटन दबाएंगे और सारे डाटा को हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके पाथ हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, कॉपी करेंगे इसको ओके कर देंगे और इसको यहाँ से हम कर देंगे क्लोज। अब ये फाइल हमें टेली सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करनी है, तो इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, F1 हेल्प पे जाएंगे और उसके बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा TDL एंड एडवांस, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, अब इससे पहले हमारे पास ये जो TDL की फाइल है वो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल करी हुई है, तो हम नई इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पर F4 का बटन प्रेस करेंगे, मैनेज अकाउंट TDLs, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब उसके बाद में हमारा जो डाटा ये बिल्कुल यस रहेगा। अब यस रहने के बाद में अगर हम इन सभी को हटाना चाहें या बिल्कुल एंड में आएंगे, हम इंटर इंटर प्रेस करेंगे
और उसके बाद में अब यहाँ पर हमें जो हमने कॉपी करी थी हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पर स्पेशल उसका जो ड्राइव का जो लोकेशन है आप लोकेशन भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो हम इसका लोकेशन देने के लिए भी सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर हम जाएंगे और डाउनलोड पर जाएंगे। तो डाउनलोड में हमने जो अभी इंस्टॉलमेंट करी थी सेल्स मैन वाइज जो रिपोर्ट थी हमारी मैनुअल सेल्स मैन, ये जो फाइल है इसको इंटरप्रेस करेंगे और इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे और लिस्ट ऑफ एंड पे एंड कर देंगे। तब अब ये हालांकि इसके अंदर एरर आ रही है। अब एरर आने का कारण क्या हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, इनवैलिड फाइल फॉर्मेट, यानी कि ये प्रॉपरली सही तरीके से, और सॉरी हमने इसको ये जो हमारी वर्ड की फाइल थी उसी को हमने डाउनलोड कर लिया। हम दूसरी फाइल पर जाते हैं जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल हुई थी वही ओपन होगी। तो अब हम इस पर सबसे पहले बिल्कुल एंड पे आएंगे, इसको हम यहाँ से हटा देंगे और इसको यहाँ पर हम करेंगे एंड ऑफ लिस्ट। अब वापस हम F4 पर जाएंगे और बिल्कुल एंड पर आएंगे हम, और एंड पर आने के बाद में अब हम पाथ पे करेंगे। अब उस पाथ को हम कंट्रोल V के साथ पेस्ट भी कर देंगे और इसको यस करेंगे। तो अब देखो ये जो फाइल हमारी सेल्स मैन वाइज जो आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट है प्राइम की वो यहाँ पर लोड हो गई है। अब ये केवल लोड हुई है, अब इसे हम एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिव करने के लिए आपको F6 यानी कि एड ऑन फीचर्स पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको ये जो ऑप्शन आ रहा है इसको यस करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास दो यस करी हुई है, दोनों आपको मैंने दिखाई थी। अब इसको भी यस करेंगे अगर इस TDL को एक्टिव करना है, तो अभी तक इंस्टॉल किए एक्टिव करने के लिए इसको यस करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये हमने इसको डाउनलोड किया और ये इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो अब इसका जो फाइल फायदा में क्या मिलेगा, अब सेल्स में जाएंगे तो अब यहाँ पर देख रहे हो अब इस सेल इनवॉइस के अंदर ये सेल्स मैन का जो नाम है वो ऐड हो चुका है। तो और ये हमें जो मैनुअल यूजर था इसका, मैनुअल यूजर में भी हमें इस तरीके का जो सेल्स मैन का ऑप्शन दिखाई दे रहा था। अगर हम इस फाइल को यहाँ से अनइंस्टॉल कर देते हैं तो ये सेल्स मैन का नाम यहाँ से हट जाएगा। हम इसको हटा के भी देखेंगे, हटाना अगर पड़े तो किस तरीके से हटाएंगे। वापस हम F1 हेल्पर जाएंगे, TDLs एंड एडोन्स पर जाएंगे और उसके बाद में ये जो हमारी बिल्कुल लास्ट वाली है इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और F4 पर हम क्लिक कर देंगे और इसके बिल्कुल एंड पे आएंगे और इसको यहाँ से नो कर देंगे और कर देंगे एक्सेप्ट इसको। तो अब यहाँ पर ये देख रहे हो भी इसकी जो फाइल है इस पर वर्किंग आ रही है नॉट लोडेड, यानी कि अब ये फाइल है जो नॉट लोडेड है। अब वापस हम सेल वाउचर पर जाते हैं और अब यहाँ पर देख रहे हो जो सेल्समैन का नाम अभी आ रहा था वो हट के पार्टी अकाउंट नेम आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार जिस चीज़ की हमें रिक्वायर्ड है, कोई कॉलम हमें ऐड करवानी है, कोई आइटम के साथ स्पेशल हमें कोई डिस्क्रिप्शन देनी है, कोई अलग से कोई डिस्काउंट का कॉलम, MRP का, बैच नंबर का कॉलम हमें अलग से ऐड करवाना हो, तो हम यहाँ पर इस टेली शॉप पर जाके इसको सर्च कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी होगी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी और कुछ के लिए आपको पेड यानी कि पैसे भी देने पड़ेंगे। अगर आप इसको परचेज करना चाहोगे तो आप इसके लिए इस पर बाय पर क्लिक करोगे। तो जैसे आप बाय पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो आपका सीरियल नंबर है टेली का, तो इसके लिए आपके पास टेली है जो ओरिजिनल होनी चाहिए, तो आप इसको ओरिजिनल यूज करोगे और उसके बाद में इसको अपने सिस्टम के अंदर रिएक्टिव करा सकते हो उस सीरियल नंबर पर। तो यानी कि हम बाई एड ऑन हम यूज कर सकते हैं, TDL बोल सकते हैं और उसके बाद में इसको एड ऑन, यानी कि हमें स्पेशल कस्टमाइजेशन करने के लिए टेली सॉफ्टवेयर में कोई भी आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कर सकते हो। और बाय डिफॉल्ट आप इसमें कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो कैटेगरी पे आप क्लिक करोगे तो काफ़ी सारी कैटेगरी आपको मिल जाएगी। भी आपको मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से कुछ चाहिए, वर्क फ्लो के पर्पज से चाहिए, कोई बैंकिंग पर्पज से आपको एड ऑन चाहिए, और स्टेशनरी के लिए चाहिए, ऑडिट के लिए चाहिए, तो काफ़ी सारे आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पर अगर आपने इस पर फिक्स्ड असेस्ट पर क्लिक कर दिया तो इस पर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन मिलेंगे, वी फिक्स्ड असेस्ट रजिस्टर का और फिक्स्ड असेस्ट रजिस्टर एज पर कंपनी एंड इनकम टैक्स, यानी कि डेप्रिसिएशन वगैरह का देखने के लिए। अगर आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है तो आप इसका यहाँ से मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो, और मैनुअल डाउनलोड करोगे और इसको जब आप ओपन रीड करोगे तो इसमें सारी कहानी इसकी लिखी होती है भी हम आप इस फाइल को यूज करोगे तो कितना बेनिफिट आपको मिलेगा और किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। जैसा कि इसमें आपको देख रहे हैं बी एज पर कंपनी एक्ट, यानी कि ये डेप्रिसिएशन के लिए है। तो अब जैसे आप इसको फाइल को यूज करोगे तो हम इसमें इस तरीके का डेप्रिसिएशन चार्ट भी हमारा बन जाता है। हालांकि दोस्तों डेप्रिसिएशन चार्ट पे मैंने इस फाइल के बारे में वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो इस तरीके से हम इसका डेप्रिसिएशन चार्ट है वो भी बना सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने कस्टमाइज अपने बुक्स के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग TDL फाइल डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल भी कर सकते हो। अगर आज की वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो, वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी जरूर कर देना। अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी प्लीज़ अभी कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।